नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं धनंजय कुमार। आज हम बातचीत करने वाले हैं कॉल रिकॉर्डिंग वायरल के बारे में। विवेक सिंह और विशाल सिंह का जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है उसी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। विवेक सिंह और विशाल सिंह में झगड़ा का शुरुआत हुआ दो चार दिन पहले से, जो कि अखिलेश कश्यप और विवेक सिंह लाइव आए थे, कुछ विशाल सिंह के बारे में बोल दिए थे। फिर विशाल सिंह लाइव आए और इन दोनों को जवाब दिए और उसी वीडियो में विशाल सिंह ने बोला था कि महेश पांडे कहीं मिल गया तो बहुत मार मारूंगा। फिर उसके बाद अखिलेश कश्यप और विवेक सिंह लाइव आते हैं, बोलते हैं कि इतना हिम्मत हो गया है, मार दोगे। और बात बढ़ते बढ़ते बढ़ गई, गाली वाली भी दे दिए अखिलेश कश्यप और विवेक सिंह ने, और विशाल सिंह को बोले तू कहां मिलेगा, मिल। इसके बाद की कहानी आप लोगों को मालूम ही है, थोड़ा सा लेट पहुंचे विशाल सिंह। और इधर अखिलेश कश्यप और विवेक सिंह ने लगे पोस्ट करने की वो भाग गया नहीं आया, ये वो दुनिया भर की बातें। लेकिन विशाल सिंह के आदमी ने वहाँ पे भी विवेक सिंह से माफी मंगवाया है, जैसे कि मैं आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था। और अब कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो चुका है, आप सभी को पता ही होगा कौन किससे माफी मांगा है। और विवेक सिंह की पूरी तरह से घोर बेइज्जती हो गई है। अब भले ही अखिलेश कश्यप और विवेक सिंह मीडिया में आकर इंटरव्यू दें या सफाई दें लाइव आकर, कोई मतलब नहीं बनता है। अब चलिए बात कर लेते हैं एक यूट्यूबर के बारे में जो कि इसकी कोई इज्जत नहीं है। और सबसे पहले पवन खेसारी के फैंस लोगों को यही बांटना शुरू किया था और विवाद का जड़ सबसे पहले यही है, और 30% इसी का हाथ है भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद करना। और इस बात को मैं भी बोल रहा हूं और अखिलेश कश्यप भी बोले थे, आप सभी को पता ही होगा। एक साल पहले अखिलेश कश्यप ने महेश पांडे को माँ बहन को गाली दिए थे, वो भी अभद्र अभद्र गाली दिए थे, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके सुन लेना। और उसी कॉल रिकॉर्डिंग में अखिलेश कश्यप बोले हैं कि फैंस लोगों को यही बांटा है, और आज विवेक सिंह ने भी इसको तिलांडे में भेज दिया, समझिए। तो कुल मिला जुला कर इसका कोई भी इज्जत नहीं है खेसारी टीम में, और इस बेचारे को बेमतलब का गाड़ी दिया जाता है। जिस टीम का दिन भर तारीफ करता है उसी टीम द्वारा इसको गाड़ी दिया जाता है। एक बात और आप सभी को यहाँ पे यूट्यूबरों को बता देना चाहता हूँ, किसी भी स्टार को उल्टा पुल्टा गाली देना या अभद्र कुछ भी बोल देना सही नहीं है। कोई साथ नहीं देगा, ना तो पवन सिंह साथ देंगे ना तो खेसारी लाल यादव साथ देंगे। यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि कोई एक बार केस ठोक देगा कोई नहीं साथ देने वाला मिलेगा। और इसीलिए मैं किसी का चमचाई नहीं करता हूँ, ना तो किसी स्टार को उल्टा पुल्टा कभी भी नहीं बोलता हूँ, और हमारे लिए सब बराबर है, सभी का न्यूज बनाते हैं, आप लोग देखे ही होंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद है तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।